आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल की वीडियोस को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, या फिर अगर आप किसी का हित चाहते हैं, जैसे कि मैं आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई किसी का हेल्प कर सके, तो दोस्तों पता है ना कि छोटे से इनिशिएटिव से आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों मैं इतनी सारी हेल्प करता हूँ, मुझे जब मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ दोस्तों, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे चीज़ नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे, तो उनकी दुआएं मिलती होगी, ऊपर वाला जरूर देख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ और मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो भी कोई इशू नहीं, ऊपर वाला सब कुछ देखता है दोस्तों, आपका भी देखता है, मेरा भी देखता है, अच्छे के साथ अच्छा होगा ही होगा। आप भी अच्छा करो, आप भी कुछ वीडियो को शेयर करो, टेलीग्राम चैनल के लिंक लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इतना इनिशिएटिव लेके आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको भी कुछ तो सोचना चाहिए कि किसी के प्रति, अदरवाइज तो दोस्तों फिर तो वो हो गया जैसे कि हमारे दिल्ली की सरकार, हवा पानी फ्री, बिजली फ्री, दाल फ्री, चावल फ्री, वाईफाई फ्री, और सरकार हमारी, ऐसा हो जाएगा। तो फिर आप भी वही चाहते हो तो फिर ऐसा होगा ना कि थोड़े दिन के बाद कोई इनिशिएटिव लेना बंद कर देगा दोस्तों, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम होता नहीं है दोस्तों कि इतना वेलफेयर या फिर इतना किसी के लिए सोच सके जितना हम सोच रहे हैं, और जितना इनिशिएटिव हम 5:30 से आपको 11:30 तक जो हमको मिल रहा है हम पोस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके लिए कुछ अच्छा पोस्ट किया था, शायद आपने वहाँ देखा होगा। तो दोस्तों मैं अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है बेहतरीन कंपनी जो है टाटा स्टील की। बट उससे पहले अगर हम एक चीज़ को समझना चाहेंगे कि देखो कल हमने इस लेवल पे आपको यहाँ पर 4,700 समथिंग कुछ चल रहा था, और मैंने वीडियो में बाद में थोड़ी देर बाद वीडियो के पोस्ट को टेलीग्राम पर लिखा है, बोला भी था कि देखिए मैंने बोलते देर नहीं हुई और 48 हो गया, और आज का भाव देखो 5,000 मोर देन हो गया। तो दोस्तों आप चाहो तो इस छोटे से एक्सपीरियंस को मेरे भुना सकते हो, और आप भी कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों करने के लिए कुछ नहीं है कि ये दो मेरे हम जरोदा के पार्टनर है, और ये जो दो मेरे रेफरल आईडी आप देख रहे हो, जरोदा और अपस्टॉक, आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। अगर आपके पास जरोदा में है और आप मेरे साथ चाहते हैं कि अपस्टॉक में जुड़ना, तो ये रेफरल आईडी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते कि नहीं अपस्टॉक से जरोदा में आना, तो फिर आप ऊपर वाला आईडी यूज़ करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, या फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जैसे आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसके साथ एक अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ जाओ दोस्तों। दोस्तों बाकी सब ऊपर वाला है, जय महाकाल, कालों का काल जय महाकाल, काल उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का, और जो काल की भक्ति के लिए खराब सोचे तो फिर समझ जाओ। तो आज हम जिस तरीके से बात करें कि क्रूड का तो बम्पर हो गया, अब क्रूड आप जरा वीकली चार्ट पर देख लो दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर दिया 975 का, और ऊपर बम्पर 536 का हाई मारा एक ही दिन में, आप देखो मतलब एक वीक में कितना हाई मार दिया। और अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो वैसे ये तो क्रूड है, तो इसलिए मंथली चार्ट इसका फ्यूचर है, इसलिए ज़्यादा लंबा हो नहीं सकता। अगर कैश होता तो मतलब जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स होता उस तरीके से, तो ज़्यादा अच्छे से देख पाते। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसी तरह कॉपर भी एक अच्छे ट्रेंड में है दोस्तों, और अभी इसमें हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए, और अगर रिवर्सल आ जाए तो 560-570 आसानी से आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद में हम बात करेंगे अपने वही टाटा स्टील, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, टाटा स्टील जैसी कंपनी उसको क्या हो गया, एकदम से गिर क्यों गया, वो भी हम समझेंगे दोस्तों इसी वीडियो में, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो अब बात यही है कि भाई ये जो लेवल्स है इनका क्या करें। तो देखो इतना तेज गिरने के बाद ये तो अब इसने सारे लेवल्स तोड़ दिए दोस्तों आज के दिन, आप समझो कि मतलब 10,600 तो आ ही गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता अगर ये और नीचे जाना चाहे तो। बट ये कंसोलिडेशन का फेस है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये तो ये ऊपर तोड़े या नीचे, तो आज उसने सब नीचे की साइड तोड़ दिए, और अब देखना पड़ेगा कि ये दोस्तों कहाँ तक जाता है, साथ ही साथ इसका क्या इम्पेक्ट दूसरी कंपनियों पर भी पड़ता है दोस्तों। ये गलत सिलेक्शन हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो अब देखेंगे कि भाई इसके जो वॉल्यूम्स है वो 13.6 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हो गए इसमें, और हम आज हम बात करेंगे वही। तो पर दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी कल से दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा, और अगर आप जाने की कोशिश भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए, बट एक रिक्वेस्ट है कि फिर आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है
आपको अच्छा नहीं लगता, बट मुझे आपको अच्छा लगता होगा पर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इससे मुझे एक इंसल्ट फील होती है कि यार मतलबी दुनिया में मतलबी लोग, तो वो नहीं करने का। तो चलिए अब आज हम बात करते हैं उसी तरीके से टाटा स्टील की। टाटा स्टील में अब क्या हो चुका है दोस्तों, एक बेहतरीन सपोर्ट है जिससे पहले भी ये स्टॉक घूम चुका है और वापस 600 रुपये के लेवल तक गया था, देन अगेन नीचे आया है और पहले इस लेवल से घुमा था फिर गया। अब ये अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है दोस्तों ऑन क्लोजिंग बेसिस, मैं आपको सीधे सीधे बात बोलता हूँ कि 536-534 अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ता है दोस्तों, तो आपको अभी भी मंथ पूरे मंथ का टाइम है। 535 आप अज्यूम करके चलिए कि चलो 535 नहीं तोड़ना चाहिए, 535 के नीचे क्लोजिंग होती है देन इट विल बी, हो सकता है कि और नीचे जा सके, बट अगर नहीं जाती है दोस्तों तो ये ऊपर जा सकता है। और मैं कहता हूँ अगर ये नहीं गया तो ये 600 आराम से आ जाएगा, आप जरा उसको वॉच कर लीजिएगा अगर नहीं टूटा तो। आप देखोगे कि जब ये घूमता है तो पानी की तरह घूमता है और इसके जो कॉल ऑप्शन है शायद आपने देखे नहीं होंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि जैसे कि अभी ये 560 है और एक महीने पहले भी अगर ये चल रहा होगा तो 560 का कॉल ऑप्शन मैं आपको पिछले महीने का, ये मंथली चार्ट है सॉरी, अब पिछले महीने का इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि जुलाई है, तो शायद हो सकता है 560 नहीं है इसमें, क्योंकि आप इसको देखिएगा कि किस तरीके से ये 560 वाला जो पिछले महीने में हुआ था, थोड़ा प्रैक्टिकल आपके लिए भी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि सब कुछ अगर मैं रेडी में आपको समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। तो जैसे कि अगर हम ये बात करें कि अगर टाटा स्टील का शेयर अगर ये घुमाना दोस्तों वापस से, तो वापस से वही भाव आपको 27-28 रुपये आराम से दिख सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा, मेरे को ये लगता है कि भाई ये आसानी से ये रेंज को थोड़े दिन में ब्रेक कर देगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। टाटा स्टील तो नाम ही काफ़ी है, जिस तरह स्टील की कंपनी है उसी तरीके से इसका नाम भी बहुत अच्छा है और कंपनी भी अच्छा है, बस ये है कि ये 600 से ये रेंज घूम रहा है और ये रेंज तोड़ना चाहिए दोस्तों। अगर ये रेंज तोड़ देता है तो आराम से इसका जो भी कॉल ऑप्शन का भाव हम देख रहे हैं वो आज की डेट में शायद क्या भाव चल रहा है वापस से देख लेते हैं हम लोग, आज की डेट में जो भाव चल रहा है 12 रुपये वही आपको 20 से 25 रुपये होते हुए देर नहीं लगेगी। बट मैं आपको क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों, बट इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर ब्रोकर से बात करना पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो होशियार है और वो आपको ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने एक बात किया कि अगर ये कॉल ऑप्शन इधर से चला तो अभी 12 रुपये की चीज 25 रुपये होते देर नहीं लगेगी और हम फिर इसको एक महीने तक, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक एक्सपायरी ख़त्म भी नहीं हुई है, अगर कॉल और गिरा तो वो ऑप्शन आपको और सस्ता होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो आपके लिए और अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि हम कैसे कर सकते हैं, और अगर सच में अगर अपॉर्चुनिटी को भुनाने का मौका मिले और छोटा मोटा अगर आप एसएल रख सकते हो किसी चीज़ में अपने ब्रोकर से बात करने के बाद, तो ज़रूर आप उससे समझ लीजिएगा, उसके बाद अगर आपका हो सकता है कि आपका कैपिटल अच्छा खासा इंक्रीज हो जाए, बट उसके लिए आपको समझना होगा, खुद का थोड़ा ज्ञान विज्ञान बढ़ाना होगा, जीके जिसे कहते हैं कि तो जनरल नॉलेज होता है बट स्टॉक में नॉलेज के लिए टेक्निकल नॉलेज बढ़ाएगा कि भाई कैसे होगा तो कैसे हो जाएगा। दोस्तों आज सुबह हमने एक वोल्टास पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा शायद, और जो समझ पाए होंगे वो वोल्टास का शेयर सुबह में 520 रुपये का लो था और शाम होते होते 546 का हाई, उसी तरीके से ICICI प्रोडेंशियल हमने एक पोस्ट किया था 374 का लो और 381 का हाई, इसका जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों 7 रुपये होता है और जो परसेंटेज टर्म में 2% होता है, 520 से 546 यानी 26 रुपीज़ होता है, और अगर हम बात करें तो परसेंटेज टर्म में 5% होता है। दोस्तों सुबह 5 बजे पोस्ट किया था मैंने आपके लिए कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वो एक कहते ना कि किसी की कदर वही समझे जिसे समझ में आवे, नहीं तो बाकी ज्ञान बखारता जावे, वो हमारे कहावत है कि जिससे कुछ समझ नहीं आता ना वो सिर्फ ज्ञान ही बांट सकते हैं, उनको सिर्फ बात करने के लिए ही चाहिए, बाकी कुछ उनको इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो बैंक निफ्टी में अभी भी 25,200 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर वापस वही घूमने की तैयारी में होगा, बट निफ्टी ने तो लेवल क्रॉस कर दिए हैं और लो भी अच्छा खासा मार दिया आज के दिन में, और जितने लेवल मैंने नीचे बताए थे वो सारे लेवल्स आ चुके दोस्तों। तो दोस्तों कोशिश करो कि टाटा स्टील को समझो, और अपॉर्चुनिटी है तो चौके पे छक्का मतलब मौके पे चौका या मौके पे छक्का जो मार सको वो मार लो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।
दोस्तों हाँ, जैसे आप स्टॉक के अब हमारी भी हिस्सेदारी हो चुकी है, अब हम स्टॉक के पार्टनर बन चुके हैं। हमारी हिस्सेदारी तो क्या होगी, हम तो छोटे मोटे आदमी, हम भी उनके पार्टनर बन चुके हैं, बिजनेस पार्टनर। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करके अपने जीवन और मेरे जीवन को सुखमय मिलकर बना सकते हैं हम लोग। धन्यवाद।